नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी सब्जी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिस सब्जी के लाभ और फ़ायदों के बारे में और इस सब्जी के बारे में भी अधिक लोगों को पता नहीं होता है और वो लोग इसकी जानकारी न होने के कारण इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं, इसका पूरी तरह से लाभ उठा नहीं पाते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिमीकंद यानी कि सूरन की सब्जी को खाने के फ़ायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिमीकंद, सबसे पहले जो लोग नहीं जानते जिमीकंद क्या होता है उन लोगों को इसका थोड़ा परिचय दे देते हैं। दोस्तों जिमीकंद जमीन के नीचे उगने वाली एक सब्जी होती है। दरअसल यह एक कंद है जिसकी सब्जी बनाकर खाया जाता है। जिमीकंद को सूरन एवं ओल के नाम से भी जाना जाता है। जिमीकंद खाने के फायदे कई सारे हैं क्योंकि यह औषधीय गुणों से भरी हुई सब्जी होती है। जिमीकंद इतनी गुणकारी है कि इसे जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि इसमें ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो चलिए आपको बता देते हैं। दोस्तों जिमीकंद की सब्जी में विटामिन सी, विटामिन B1, B6, फाइबर, फोलिक एसिड और नियासिन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। इसके अलावा यह कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल से भी भरा हुआ है। अगर आप इसकी सब्जी का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो निश्चित ही आप कई सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि जिमीकंद को क्यों खाना चाहिए और जिमीकंद को खाने के क्या क्या लाजवाब फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों इसका पहला फ़ायदा आता है पाचन क्रिया को लेकर के। जी हाँ, यह पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए इसका सेवन करने से पाचन क्रिया दुरुस्त बनती है, साथ ही पेट की कब्ज भी दूर होती है। इसके अलावा इसे खाने से बॉडी का खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होने लगता है। दोस्तों यह आपके वजन को भी कंट्रोल में रखती है। जी हाँ दोस्तों, जिमीकंद में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए इसका सेवन करने से आपका पेट लंबे समय तक भरा भरा सा रहता है, जिसकी वजह से आपको जल्दी और बार बार भूख नहीं लगती है, जिसके कारण आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो जिमीकंद को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, इससे वजन को कंट्रोल करने में आसानी होती है। दोस्तों इसका अगला फायदा आता है ब्रेन के लिए। जी हाँ, जिमीकंद का सेवन करने से दिमाग तेज बनता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से जिमीकंद को खाता है उसे अल्जाइमर रोग यानी कि भूलने की बीमारी होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं तो जिमीकंद को अपनी डाइट में आपको जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा यह विटामिन B6 का बहुत ही बेस्ट सोर्स होता है। जी हाँ, अगर बॉडी में विटामिन B6 की मात्रा हो तो इससे व्यक्ति को दिल की बीमारियां नहीं होती हैं। विटामिन B6 हार्ट बीट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का वर्क करता है। जिमीकंद में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इससे ब्लड प्रेशर सही बना रहता है जिससे हार्ट हेल्दी रहता है। जिमीकंद में ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी अच्छी मात्रा होती है जो रक्त के थक्के को जमने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इसका अगला फायदा आता है रेड ब्लड सेल्स को इनक्रीज करने में। जी हाँ, सूरन में कॉपर की बढ़िया मात्रा होती है जो रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मददगार है, इससे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाए रखने में आसानी होती है। इसमें पाए जाने वाला आयरन रक्त संचार को ठीक बनाने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों यह पाइल्स और दस्त में काफ़ी उपयोगी होता है। जी हाँ, जिमीकंद का प्रयोग बवासीर, सांस, खांसी, कृमि रोग और दस्त के इलाज में किया जाता है। यह बवासीर से आराम दिलाता है जिसके कारण इसे अर्शिघ्न के नाम से भी जाना जाता है। अगर लीवर की प्रॉब्लम से पीड़ित अगर आप हैं तो जिमीकंद आपके लिए किसी औषधि से कम नहीं है। जी हाँ, वात रोग होने पर इसका सेवन करना लाभकारी है। इसके अलावा दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। जी हाँ, सूरन में एंटीऑक्सीडेंट भारी मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है जिसके कारण यह शरीर को कैंसर पैदा करने वाली फ्री रेडिकल से लड़ने में आपकी सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा सांस और स्किन से जुड़ी समस्याओं को यह दूर करता है। अगर इसे फोड़े, फुंसी, अल्सर या किसी भी तरह की चमड़ी की बीमारियों पर लगाया जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा इसका सेवन करने से कफ और सांस से जुड़ी प्रॉब्लम में भी सुधार होता है। लेकिन दोस्तों इसकी भी कुछ सावधानियां रखने की आपको काफ़ी ज़रूरत है और ये जो सावधानियां हैं इनको आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप इन फ़ायदों को जानकर जिमीकंद खाने वाले हैं या खाने की सोच रहे हैं। तो वो ज़रूरी सावधानियां क्या क्या है चलिए जानते हैं।
दोस्तों आयुर्वेद की अगर माने तो जिन लोगों को कुष्ठ या किसी भी तरह का चर्म रोग हुआ है उन्हें जिमीकंद का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिमीकंद चरपरा, कसेला, खुजली करने वाला, ड्राई कफ और बवासीर रोग नाशक है, इसलिए इसे कभी कभी ही खाना चाहिए, लेकिन खाना जरूर चाहिए क्योंकि यह आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है जिससे शरीर को फायदा होता ही है। तो दोस्तों अगर सीधे सीधे आपको बताया जाए तो जिन लोगों को कुष्ठ रोग या चर्म रोग है वो इसे ना खाएं, और जो लोग इसके अलावा इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है, कम मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो ये आपको भरपूर लाभ पहुँचाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो यह नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए कम मात्रा में सेवन करें और इसके भरपूर होने वाले फ़ायदों का लाभ उठाएँ। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।